जानलेवा कोरोना महामारी के खिलाफ जारी जंग में अब नेताओं ने भी ग्राउंड लेवल पर आकर कमान संभाल ली है। अंबाला में आज एक बार फिर शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत खुद अंबाला शहर के विधायक असीम गोयल ने की। विधायक ने खुद बाजारों को सैनिटाइज कर सैनिटाइजेशन की शुरुआत की। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अब एक बार फिर पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया गया है। अंबाला में सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत खुद शहर के विधायक असीम गोयल ने की। नगर निगम की टीम के साथ विधायक ने खुद बाजारों को सैनिटाइज कर सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूरे शहर को सैनिटाइज करने का एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है और पर्याप्त मात्रा में केमिकल नगर निगम में आ गया है। ऐसे में अब यही प्रयास रहेगा कि शहर का कोना कोना सैनिटाइज किया जाए। देखिए, ऐसा है, पूरा शेड्यूल जो है पूरे शहर का बना दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कल भी सैनिटाइजेशन जो है शुरू हो गई थी, ये दो दिन पहले शुरू होनी थी, लेकिन केमिकल में थोड़ी डिले होने की वजह से, क्योंकि हमारा लेकिन नगर निगम के अधिकारी और उनका पूरा अमला सारा तैयार था और केमिकल की वेट थी, केमिकल कल आ गया है और पर्याप्त मात्रा में आया है। अब हमारा एक कोशिश है शहर की कोई गली, कोई कोना, कोई नुक्कड़ जो है बिना वैक्सीनेशन के ना रहे। हमारे मंडल अध्यक्ष हितेश जैन जी जो हमारे पार्षद भी हैं, वो लगभग 10 वार्डों का उनका मंडल बढ़ता है, उन सारे मंडलों की, उन सारे वार्डों की देखरेख करेंगे। हमारे यहाँ के प्रमुख कार्यकर्ता आज फ्रेंड्स कॉलोनी से मैंने स्वयं शुरुआत की है, सुरेश होता जिनकी पूरी टीम इस काम को देखेगी और सारी जगह पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी और जो समाज से भी सारे संगठन हैं और प्रमुख लोग हैं, उनको सबको जोड़ के जो है हमारी कोशिश रहेगी सैनिटाइजेशन का और वैक्सीनेशन का ज्वाइंट प्रोग्राम जो है शुरू किया जाए। 1 तारीख से जो मेगा जो वैक्सीनेशन के ड्राइव लगने हैं वो भी हम गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में शुरू करें। अंबाला से अंकुर कपूर की रिपोर्ट।